तो हे गाइस, वेलकम टू द माइनक्राफ्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक पीलेंट फार्म, जो कि इस ओवरवर्ल्ड में हमारा काम करने वाला है। इसके लिए हमें नेदर में जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसमें एक सेकंड में कितने सारे पीलेंट आने वाले हैं, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लेने आया हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा टोटल 84 ऑक्सीजन। तो 84 ऑक्सीजन हम ले लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम लोग बनाने जाएंगे। और उसके साथ मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि 26 ऑब्जर्वर्स, और हमें लगेंगे एक वाटर बकेट, एक डिस्पेंसर और ट्रैप डोर, 21 ट्रैप डोर हमें लगेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बाकी का। मुझे लगता है एक डिस्पेंसर लगेगा, वाटर बकेट और 3 बकेट लावा लगने वाला है हमें। बाकी का कुछ नहीं, बाकी का स्टोन वगैरह लगेगा ही लगेगा। तो उसको बनाने के लिए चलो शुरू करते। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेस बना लिया हूँ, उसको 1, 2, 3, 4 और 5 ब्लॉक ऊपर मैंने चल गया हूँ। क्यों, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा ऑक्सीडियन के लिए, क्योंकि अगर इसे हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं तो हो सकता है हमारे नेदर में यहाँ पे जो गाय वगैरह घूमारे नेदर में, तो यहाँ इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ऊपर बना रहा हूँ। तो इसके सबसे पहले इसको 21 बाय 21 ब्लॉक का हमें बनाना है। तो यहाँ पे 21 ब्लॉक लगाएंगे, उसके बाद फिर साइड में भी और उसके ऊपर में भी। तो ये टोटल 84 ब्लॉक तुम्हें लगेंगे इसका ऑक्सीजन की। तो 84 ब्लॉक मैं इसको पूरा तरह से एक ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद हमारा नेदर फिर एक्टिवेट हो सकेगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाने के बाद इस तरह से मैं करके बनाऊंगा, जैसे कि हो जाए। तो पूरा एकदम मैंने बना लिया इसको स्क्वायर। अभी देख सकते हो कुछ स्टेप सर, मैंने थोड़े से ऊपर बनाया क्योंकि कोई और आ भी नहीं जाए, और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये गड्ढा वड्ढा बड़ा वर्ल्ड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे। और मैं इसे करने वाला हूँ 5 ब्लॉक ऊपर जा करके, यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ डिस्पेंसर। क्यों 5 ब्लॉक इसलिए लगाना होगा, कम से कम तुमको 2 ब्लॉक तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम 2 ब्लॉक नहीं छोड़ोगे तो वहाँ से पिगलिन बाहर आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे पिगलिन बाहर। इसलिए हमें 2 ब्लॉक तो कम से कम छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़े से 5 ब्लॉक ऊपर बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप से यहाँ पे इसके बगल में तुमको कब्र स्टोन लगाना है, नॉट यहाँ पे। मैंने यहाँ पे गलती से लगा दिया थोड़ा सा आगे जाने के लिए चक्कर में। तो यहाँ पे सबसे पहले तोड़ देते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक कब्र स्टोन की लेयर लगा देनी है इसके पीछे में, पूरी तरह से इसके पीछे पूरी तरह लगा देना है तुमको कब्र स्टोन का लेयर। उसके बाद हम लोग इसके थोड़ा से क्या बोलते हैं, इसके आगे हमें लगाना है ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वर बोलते हैं, 26 ऑब्जर्वर तुमको इस टोटल लगने वाले हैं। अगर तुम 21 बाय 21 ब्लॉक का बनाते हो तो 21 बाय 21 तुम बना सकते हो, 20 ब्लॉक का भी हो सकता है, तुम लोग बना सकते हो आराम से, तुमको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर लेना है, और सबसे पहले यहाँ पे इस तरह लगाना है, शुरुआत में आके यहाँ पे लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाना है और इस पर एक और लगा देना कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद तुमको इस वाले ऑब्जर्वर को तोड़ देना है, जिससे कि इसका फेस कुछ इस टाइप से इधर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद तुमको अब इसका फेस और उसका फेस दोनों को एक साइड करके मिला देना है, यानी कि दोनों फेस एक दूसरे से जोड़ देना है, जिससे कि एक्टिवेट डिसएक्टिवेट होते रहे। जैसे कि वो अभी दिख रहा है इधर, दे दो एक्टिवेट डिसएक्टिवेट हो रहा है, इस तरह से करके लगाना है, ठीक है। तो वो इसको लगाने सबसे पहले हमें इसे 5 ब्लॉक लगाना है, जैसे कि यहाँ पे अभी देखो मैंने 3 ब्लॉक लगाया था ना, तो यहाँ पे मैंने लगाया 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, अच्छा भाई 2 ब्लॉक, 3 3, ये 4, और यहाँ पे होगा 5। तो कुछ इस टाइप से 5 लगाने के बाद तुमको थोड़ा सा ऊपर जाना है, और 5 लगाने के बाद ही तुमको ये करना है, क्योंकि ये वाला नहीं तुम काम नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा कि 5 ब्लॉक लग गया, उसके बाद तुमको ऊपर आकर के कुछ इस टाइप से लगाना है, जिसका फेस नीचे की ओर रहेगा। देख सकते हो ये नीचे की ओर देख रहा है, उसके बाद उस फेस में लगा दो इस तरह से, इसके नीचे में भी, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद तुमको 5 ब्लॉक के बाद इसी करना है, 6ठा ब्लॉक पे ये, उसके बाद फिर तुमको आगे करना है 5 ब्लॉक करके, इसी तरह से तुमको 5 5 ब्लॉक पे ये करते जाना है। तो पूरी तरह से तुमको ये वाला पूरा दोहरा देना है 5 5 ब्लॉक पे, इस तरह मैं कर ले रहा हूँ। और अगर पता होता है कि अगर आगे में थोड़ा सा पे हो जाए तो कर देना पूरी तरह से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ही बाकी था तो मैंने उसे कर दिया 5 ब्लॉक 5 ब्लॉक पे नहीं लगाया मैंने। यहाँ पे देखो मैंने 2 ब्लॉक पे क्यों लगाया, क्योंकि आगे का सिर्फ 2 ब्लॉक और बाकी था बस, तो मैंने वहाँ पर लगा दिया। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे दूर दूर तक नहीं आ रहा है, बस एक यहाँ पे ये वाला दिख रहा है तुम्हें, 5 ब्लॉक में मैंने लगाया। तो यहाँ पे 5 ब्लॉक अगर पीछे जाओगे तो यहाँ पे भी तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे भी मैंने एक लगा दिया है। उसको बता, थोड़ा सा इसका आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसे पूरी तरह से घेर लेना है कवर स्टोन से, जिससे कि लावा बाहर ना निकल पाए। लेकिन लावा डालने से पहले तुमको क्या करना है कि अपने ट्रैप डोर लेना है, इसमें तुमको 21 ट्रैप डोर लगने वाले हैं। तो बन गया मेरा 21 ट्रैप डोर, क्योंकि 2 बन रहा था। तो इस तरह से करके सब में लगा देना है और उसको ओपन कर देना है कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पूरी तरह से और इसको ओपन कर देना है। तो 21 ट्रैप डोर्स कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और इसमें एक्सपी जो आने वाली, दवा के एक्सपी आने वाली है। तुम अगर तुम्हारे पास कमेंडिंग का सामान है तो काफ़ी स्पीड में रिपेयर होने वाला है, एक तरह से एक्सपी काफ़ी अच्छी चीज तेजी से आने वाली। तो एक तरह से एक्सपी फार्म और गोल्ड भी फार्म, गोल्ड भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आने वाला है। लेकिन कोई गोल्ड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता माइनक्राफ्ट में, इसलिए कोई गोल्ड फार्म इतना ज़्यादा जरूरत नहीं होता, पर एक्सपी फार्म काफ़ी अच्छा से वर्क करेगा। इसमें तुमको चाहिए होगा 3 बकेट लावा। अगर तुम 21 ब्लॉक का बना रहे हो तो 3 बकेट लावा लगने वाला है तुम, ठीक है, वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि देखो लावा है 3 ब्लॉक तक ट्रैवल करता है। यहाँ से हम सबसे पहले तो यहाँ पे 1 2 3, तो देखो वो 3 इधर से 3 ब्लॉक जाएगा और ये इधर से 3 ब्लॉक गया आगे। सबसे
देखो इधर से मैंने एक दो तीन और चौथे ब्लॉक पे गिरा देना है, तो ये इधर से 3 ब्लॉक चला जाएगा और वो उधर से 3 ब्लॉक चला जाएगा। तो बस यहाँ पे देखो 3 ब्लॉक, यहाँ पे 7 ब्लॉक बचते हैं, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक है, तो यहाँ चौथे ब्लॉक में हमें गिरा देना लावा को। तो बस ये 3 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक, तो उसके बाद ये हो जाएगा कि तुम्हारा नेदर एक्टिवेट हो जाएगा, और तुम्हारा नेदर डिसएक्टिवेट करने के लिए तुम्हें पानी लगाना पड़ेगा इसमें, तब जाके डिसएक्टिवेट हो। तो अभी तुम्हारे नहीं निकलेंगे पिगलिन जब तक तुम इसे एक्टिवेट डिसएक्टिवेट नहीं करोगे। तो चलो सबसे पहले इसको कर लेते हैं पूरी तरह से बनाने के लिए, लेकिन इसको सबसे पहले ऑन करने से पहले तुम लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रख लो, क्योंकि अगर तुम इसे ऑन कर दोगे ना तो काफ़ी स्पीड में आने वाले हैं पिघले, और तुमने किसी को भी एक हिट भी मार दिया तो तुम्हें रिवॉर्ड लगा देंगे वर्ल्ड में। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी तरह से पैक कर दे रहा हूँ पूरी तरह से इस वर्ल्ड को, तो मैं यहाँ शीशा लगा दे रहा हूँ, क्या कहें ग्लास भी लगा देते हैं, क्योंकि ग्लास लगाएंगे तो अच्छी तरह से दिखेगा भी। वैसे तुम लोग कोबलस्टोन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ग्लास लगाना, पर मैं यहाँ पे ग्लास लगा दे रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पानी का फ्लो लगाना पड़ेगा जिससे कि पिलिंस कहीं वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग इसे एक बनाने वाले किलिंग चैम्बर। उसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे 4x4 का एक ब्लॉक खोद के रखा है, वहाँ उसके अंदर हमें डालना है पानी को पहुँचाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेजरिंग वेजरिंग करके पूरी तरह से कि पानी का फ्लो वहाँ पे जाके रुक जाए, आगे ना जाए, उस वहाँ तक जाके मुझे रोकना पड़ेगा पानी को, तो इसे करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने पूरी तरह से पानी को कर दिया, और मैंने यहाँ पे देखो पूरी तरह से रोक भी दिया इसको। अब यहाँ पे देखो पानी का फ्लो भी कुछ स्टेप से जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे एकदम आके रुक जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे जो मैंने वहाँ पे 22x22 का खड्डा गड्ढा, उसको मैं 22 ब्लॉक नीचे ले जाने वाला हूँ, क्योंकि 22 ब्लॉक एक ऐसा हाइट है जहाँ पे तुम्हारा पिघलेन दो दो हाँ अगर तुम्हारा हाथ में कोई टूल्स भी ना तो तुम दो हीट में मारोगे ना तो वो तुरंत मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसे काम चालू और बंद देखने वाले कैसे हो जाएगा। लेकिन इस देखो तो ऐसा होगा कि तुम अगर एक स्क्वाड शॉट से मारोगे ना तो एक ही शॉट में चला जाएगा, इसके लिए मैं 22 ब्लॉक इसके नीचे जाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग आके चल बनाते हैं पानी वाला सिस्टम जिसमें ये डिसएक्टिवेट और एक्टिवेट होगा, तो बिल्कुल अच्छी तरह से गिन के जाना, क्योंकि 22 ब्लॉक अगर हम लोग नीचे नहीं गए तो हो सकता है पिगलेन मरने लग जाए, ज़्यादा नीचे चले गए तो। और देखो पिगलेन आ भी रहे थे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखा, ये देखो मैंने थोड़ा सा एक स्टेप नीचे खोद दिया जिससे कि मैं यहाँ पे मैं खोपर स्टैच कर दूँ और अटैच कर दूँ। अगर तुमको एक्सपी चाहिए तो ये सब की जरूरत नहीं होगी तुम्हें, अगर तुमको एक्सपी गोल्ड भी चाहिए और एक्सपी भी चाहिए तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम लोग। तो इस स्टेप से मैंने चारों होपर यहाँ लगा दिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते कि ऊपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कुछ फेंक देते हैं यहाँ पे, देखो ये सारे मछली आ रही है और ये भी आ गया, चलो ठीक है, मतलब ये होपर अपना वर्क कर रहा है, अटैच हो चुका है बिल्कुल। अभी हमें करना पड़ेगा एक काम कि इसके अंदर से यहाँ पे शीशा वगैरह लगा देना पड़ेगा जिससे कि अगर पिघले ना आते तो बाहर ना पाए, और इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेफोर्डिंग भी लेके आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता बनाना पड़ेगा हमें यहाँ से बाहर निकलने का। कुछ स्टेप से मैंने रास्ता भी बना दिया, देख सकते हो अभी हम यहाँ से जा सकते हैं नीचे आराम से, और उनको मार करके वापस एक्सपी ले करके वहाँ से निकल सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे मैंने ग्लास लगा दिया, और उसके बाद एक स्लैब लगा दो, क्योंकि ग्लास लगा दी तो वो पिलियन तो बाहर नहीं आ पाएंगे लेकिन उसके बच्चे आराम से बाहर आ जाते, तो यहाँ पे बच्चे भी स्पॉन होंगे, तो बच्चे के लिए स्लैब लगा दो, इसके बाद बच्चे भी नहीं निकल पाएंगे यहाँ पे बाहर। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। उसके बाद अपने लोग को क्या करना है कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा एक लिए, या बोलते हैं इसको लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा एक सिस्टम, वाटर का सिस्टम। तो सबसे पहले इस तरह से आकर के तुम्हें एक डिस्पेंसर लगाना है जिसका मुंह उस साइड हो, मतलब कि उस साइड निकलता है उसका मुंह, और उसके पीछे लगाना पड़ेगा हमें डिस्पेंसर। तो ये डिस्पेंसर गलत लगा, उस टाइप से नहीं लगाना, हमें डिस्पेंसर को लगाना है जिससे कि वो डिसएक्टिवेट कर सके और एक्टिवेट कर सके डिस्पेंसर, मतलब डिस्पेंसर को बार बार। तो इस टाइप से लगाना सबसे पहले एक, देखो इस तरह किया मैंने, तो थोड़ा सा उसके पीछे और मैंने लगा दिया, उसके बाद ये वाला तोड़ देना है, और ये देखो कहते हैं ऐसी तैसी। ओए भाई मेरे को माथा खराब करता है ये लोग, चलो फिर ऊपर चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे इस तरह से लगाना है, उसके बाद उसके कुछ स्टेप से दिख रहा होगा, अभी तुम्हें नीचे जाना है, और ये दिख रहा है उसका मुंह उस साइड दिख रहा है, अब दोनों मुंह को एक साइड अटैच कर देना है। तो ये डिस्पेंसर होगा डिसएक्टिवेट और एक्टिवेट, तुमको लेना है बटन, और बटन सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको क्या करना है बटन लेकर के यहाँ पे इसके नीचे से एक ब्लड हटा दो, और ये क्या बटन, एक क्या बटन और एक क्या बटन, तो ये इस तरह से लगा दोगे तो पानी तुम्हारा अच्छे से चलेगा और वो जल्दी जल्दी वापस भी आ जाएगा, क्योंकि अगर देर होता है तो हो सकता है तुम्हारा ये वर्क ना करे। तो बटन लगाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बटन नहीं लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, शायद हो सकता है फार्म ना चले, मैंने बता दिया पहले ही। और डिस्पेंसर का मुंह इस साइड होना चाहिए, देख लेना डिस्पेंसर का मुंह इस साइड होना चाहिए, क्या बोलते हैं जिधर पानी निकलेगा, अभी दिखा देता हूँ, देखो उस साइड निकल रहा है पानी उस साइड। अब ये देखो ये एक्टिवेट डिसएक्टिवेट हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी आ रही है, देखो सकते हो पिघलन। अब देखो यहाँ पे मैंने खूब सारे पिघलन आ चुके हैं, थोड़ा सा एक्सपी भी मिल चुका है, अभी देखो इन लोग को मारते हैं हम लोग, और ये देखो कितनी ज़्यादा एक्सपी मिल रही है, मेरे स्वॉर्ड में मेंडिंग लगी हुई, देखो मेंडिंग पूरी रिपेयर हो गई। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि होपर में एक्सपी अटक जा रही है,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कारपेट लगाना पड़ेगा। और मेरी एक्स देखना, तुम पिकेक्स देखो, ये देखो पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे तुम अगर कारपेट लगा दोगे तुम्हारे पास एक्सपी आराम से आ जाएगी। तो कुछ स्टेप से बना दिया मैंने, देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है अब ये। और अब यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे स्वॉर्ड भी आ गए, और एक एक स्वॉर्ड की हिट में मर जाएंगे आराम से। और तो और ये तुम्हारे पास अगर स्वॉर्ड नहीं है तो तुम उसे मुक्के से भी मार सकते हो आराम से। देखो कुछ स्टेप से देख रहे हो कितने स्पीड में मर रहा है मुक्के से ही, तो आसानी से वर्क करता होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना यार वीडियो को, और कमेंट बताओ कौन सा तुम्हें और फॉर्म चाहिए, उसको मैं लेके आऊँगा वीडियो हिंदी में। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार प्लीज़। और अगर तुमको और भी फॉर्म चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना यार, जिससे कि तुम्हें और भी माइनक्राफ्ट की फॉर्म की वीडियो मिल सके, क्योंकि आ रहा है नदर अपडेट, तो उसमें भी काफ़ी सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, वर्क करना बंद हो जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक गुड बाय।